तीन प्रोग्राम में साथ हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो हमेशा कथक नृत्य की यात्रा की बात करते हैं, तो आज ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे? कथक नृत्य भी एक साधना का स्वरूप है और आज एक महान और खूबसूरत दिन है, वो है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और यदि मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये दिन बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये दिन मेडिटेशन का दिन है। आज ही के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उनका निर्वाण और महापरायण। तो शायद कुछ तो विशेष है आज। और यदि सभी बच्चों को कहा जाए कि योगा मेडिटेशन एक खूबसूरत माध्यम है अवेकनिंग का, तो बच्चों को लगता है कि अभी कहाँ से योगा करें, या हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। पर चूंकि जब आप कथक नृत्य करते हैं और आपको पता है कि घंटों घंटों जब तत्कार करा जाता है तो समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो किसी भी विषय का रियाज किया जाए, किसी भी सब्जेक्ट की साधना की जाए और वहाँ हम उसमें खो जाएं और हमें समय का भान नहीं रहे, तो बस वो ही एक शुरुआत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज के दिन हम होलिस्टिक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोग्राम कथक नृत्य के साथ करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि कथक नृत्य के जो बारीक और बेसिक टूल्स हैं उन टूल्स को अवेकनिंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। पर कैसे? आप देखिए, कथक नृत्य की शुरुआत होती है तत्कार से, और तत्कार का जो स्वरूप है विलंबित लय से शुरू होता है, एकदम विलंबित लय, विलंबित से मध्य और मध्य से द्रुत। तो जब तत्कार का स्वरूप धीरे 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 लय को बढ़ाता है, ये भी अपने आप में एक अवेकनिंग प्रोग्राम। क्यों? जब हम तत्कार को विलंबित से लेकर धीरे धीरे मध्य द्रुत और अति द्रुत की ओर बढ़ते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे 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 बढ़ता है, और एक द्रुत और अति द्रुत स्टेज पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन जिस तरह से बढ़ने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस दौरान हमारे शरीर का जो निगेटिव कोरा है वो धीरे धीरे बॉडी से दूर होने लगता है, और बॉडी के जो सातों चक्र हैं एक अलाइनमेंट में तैयार होते हैं। क्योंकि तत्कार के दौरान हमें हमारी बॉडी एकदम सीधी रखनी होती है। साथ ही में जब तत्कार का अभ्यास किया जाता है, उसी दौरान हम लोग हस्तक का अभ्यास करते हैं, तो तत्कार का अभ्यास भी दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों के बैलेंस के साथ होता है, और उसी अलाइनमेंट के साथ, उसी प्रपोर्शन के साथ हस्तकों का भी अभ्यास होता है। तो इस दौरान हमारी पूरी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन के साथ एक स्पिरिचुअल ऊर्जा तैयार होती है, और हमारा ध्यान उस दौरान सिर्फ लय और हस्तक की गति पर रहता है। तो जब ध्यान हमारा सिर्फ लय और हस्तक की गति की ओर रहता है, तो बाहर की ओर से हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होकर अपने ध्यान पर आते हैं। ये कहलाता है मेडिटेशन की प्रारंभिक स्टेज, जो अनायास ही हम लोग तत्कार के साथ कथक नृत्य के माध्यम के साथ ले पाते हैं। कथक नृत्य के अभ्यास का जो दूसरा चरण है वो राउंड है, स्पिन। राउंड में हम हिल पर राउंड लेते हैं ग्रेविटी के साथ। तो जब राउंड लिया जाता है, तो उस दौरान बॉडी के चारों ओर की जो एनर्जी वो प्यूरिफाई होने लगती है। आपने देखा, यदि हमें दही से माखन निकालना है,
तो बगैर उस दही को फैटे हुए हमें माखन नहीं मिल सकता। ये सृष्टि का नियम है। तो उस दही को बहुत फैटना होता है और फैटने के साथ ही पहले एक बार गर्म पानी डाला जाता है, फिर एकदम ठंडा पानी, तो जो माखन है वो एकदम ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता है। ठीक इसी तरह से जब तत्कार का अभ्यास होता है, हस्तकों का अभ्यास होता है और फिर जब ग्राउंड का अभ्यास करते हैं तो बॉडी की जो सत्व एनर्जी है वो धीरे धीरे ऊपर होती है। अभ्यास के दौरान बॉडी जब सीधी रहती है तो सबसे और चक्र हमारा मणि चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के बाद धीरे धीरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, तो ये सभी चक्र एक अलाइनमेंट में आते हैं और बॉडी के जो सातों चक्र हैं वो बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे संबंधित रखते हैं। तो सब जब सही तौर पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, बॉडी में एनर्जी डेवलप होने लगती है और चारों ओर का ओरा प्यूरिफाई होने लगता है, तो वो एक हमारी मेडिटेशन की स्टेज आती है। और इस मेडिटेशन स्टेज का आज के दिन हमें विशेष तौर पर अभ्यास करना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो यात्रा है हमें आज से शुरू करनी है, आज के इस महादिन के साथ, बुद्ध पूर्णिमा के साथ। तो हम शुरू करते हैं आज की इस यात्रा के साथ कथक नृत्य को। नमस्कार। Thank you.